हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणेश जैन न्यूट्रिशन सेंटर। माय नेम इज़ देवांशु पाठक। आई एम द रेडियोग्राफर ऑफ द गणेश जैन न्यूट्रिशन सेंटर। आज हम आप सभी को करके दिखाएंगे पेल्विस एपी व्यू। जब वो पेशेंट हमारे पास आता है एक स्लिप लेके कि उनको कोई दिक्कत होती है पेल्विस में, तो हम उसमें क्या क्या करते हैं और उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनके आने से लेके उनके जाने तक का पूरा प्रोसीजर आपको करके दिखाएंगे। हम पेल्विस एपी व्यू इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट्स को जो कोई अर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है या हिप में कोई गैप, हिप गैप चेक करने के लिए करते हैं और ट्यूमर तो नहीं है उनको कोई। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि पेशेंट हमारे पास जब आता है और उनके जाने तक जब तक रिपोर्ट कंप्लीट होती है हम वो पूरा प्रोसीजर कैसे करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं सबसे पहले हम उनसे स्लिप लेते हैं और उनके बाद हम उनसे उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि वो आखिर हमारे पास एक पेल्विस एपी व्यू के लिए आई क्यों है। उसके बाद हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनके कोई कमर पे कोई बेल्ट तो नहीं है या कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट को स्पाइन पोजिशन में लेटाएंगे और सबसे पहले उनको शूज़ रिमूव करने के लिए कहेंगे हम। उसके बाद हम डिटेक्टर को टेबल के अंदर लगाएंगे। और उसके बाद हम पोजीशनिंग देंगे टेबल को आगे या पीछे करके उनके मेन सेंटर पेल्विस के ऊपर। उसके बाद एक्सरे ट्यूब को उनको हम उनके पेल्विस पे पोजीशनिंग करेंगे और कोलिनेशन को कम ज़्यादा करेंगे ताकि हमें मेन सेंटर पता चल सके पेल्विस का। और उनके बाद हम उनको इंस्ट्रक्शन है कि अपने हाथ को सर के नीचे रखने के लिए। उसके बाद पोजीशनिंग करने के बाद हम पेशेंट को सांस लेने के लिए और फिर छोड़ने के लिए बोलेंगे। उसके बाद हम एक्सपोजर लेंगे। उसके बाद जो हमने शूट किया है एक्सपोजर ले लिया है, उसके बाद हम हमारे मॉनिटर पर वो आ रहा है और उसके बाद हम उसको उस पर एडिटिंग करेंगे। और उसके बाद हम पेशेंट को रिपोर्ट की टाइमिंग दे देंगे कि हमारा ये पेल्विस एपी व्यू ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।